अस्सलाम वालेकुम, मेरी ऐप का नाम ट्रैक बेबी ग्रोथ ऐप है और मैं MS CS 4 सेमेस्टर से हूँ। सक्सेसफुल स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में यह है कि ऐप छोटे बच्चों के लिए 1 से 6 मंथ तक के बच्चों के लिए, जिसमें वो अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ ले के, पिक्स ले के, उसके डायपर चेंज तक, फीडी टाइम तक और ईटिंग टाइम, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन कर सकते हैं। और अपने बेबी के जेंडर के मुताबिक वो अपना उसका नेम और उसकी डेट ऑफ बर्थ सेट कर सकते हैं। उसमें अपने बेटे की जो बच्चों की जो वो कोई भी बेबी की वो हिस्ट्री वो देख भी सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये ऐप एंड्रॉयड मोबाइल पे इंस्टॉल की जा सकती है। इजीली यूज़र इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो ट्रैक बेबी ग्रोथ होता है, ये छोटे बच्चों की केयर के लिए बनाई गई है। इसमें हर सब कुछ बच्चों से रिलेटेड सेव किया जा सकता है, उनके नेम के अकॉर्डिंग उनकी थीम और उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड द टाइम ऑफ देयर बर्थ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ये मैरिड कपल लाइफ के लिए यूज़ की जा सकती है, और वो भी जो छोटे बच्चों की केयर करते हैं उन वो भी इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। ये ऐप बिल्कुल फ्री है, यूज़ इसको इजीली इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर से। ऐप टेस्टिंग में सबसे पहले हमारे पास आता है लर्न एबिलिटी। जब भी मतलब ये इतनी इजीली मतलब देखने में इतनी अट्रैक्टिव और इतनी इजीनेस के साथ यूज़र्स को यूज़ कर सकता है, कि जब भी उसको देखते हैं उसके साथ फमीलियर होता है उसके डिज़ाइन के साथ। जैसे कि उसमें हम बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसके नेम और पिक्चर वो उसको इजीली देख के उसमें डाटा एंटर कर सकता है। इसमें इसको कोई डिफिकल्टी नहीं होती। दैन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो एफिशिएंसी। यूज़र नो अबाउट द ऐप कैन ईजिली एड इन्फॉर्मेशन बाई क्लिकिंग इन्फॉर्मेशन बेबी एंड एड इन्फॉर्मेशन क्विकली। जब भी वो इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता है उसको ईजिली वो बेबी की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता है। देन हमारे पास जो आता है पॉइंट वो है मेमोरेबिलिटी। जैसे ही मतलब इस ऐप को कोई यूज़र अगर लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करता है उसके बाद उसको छोड़ देता है और फिर यूज़ करता है, तो उसके लिए उसको मेमोराइज़ करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसने पहले भी इस पर काम किया होता है तो वो उसके वर्क को ईजिली बना देता है, जो इसकी प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। उसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसको वो देखते ही मतलब लाइक उसके सॉलिड बॉटल, ब्रेस्ट फीड, स्लीप, तो उसको इजीली मेमोराइज़ कर सकता है। बाद में भी अगर आफ्टर लॉन्ग टाइम देखे तो उसको मेमोराइज़ कर सकता है। देन हमारे पास इसमें कुछ एरर्स ये आते हैं कि जब कोई अपने बेबी की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करता है तो वो अगले बच्चे की इन्फॉर्मेशन ऐड करना भूल जाता है। उसको लगता है यही कि उसने इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है और वो इसमें ही एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन ऐड करना भूल जाता है। और सम टाइम इनके जो फीडर टाइमिंग और मदर फीडिंग टाइम है ना, तो वो सब यूज़र्स को ना मिक्सअप कर देते हैं। ये इनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ये यूज़र थोड़े से एरर क्रिएट कर देते हैं। और कुछ लोग ग्राफ में एंट्रीज करते हुए ना थोड़ा सा डाटा हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में डाल के इसमें भी ये एरर फेस करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर टाइमर सेट में इन्होंने अलार्म के साथ AM PM कोई मेंशन नहीं किया हुआ, जिससे यूज़र को ये भी डिफ़िकल्टी होती है कि AM में आएगा या PM में आएगा। तो इस एरर्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि वो अपने बेबी की डायरी को ऑल टाइम देखते जाएँ कि हमने पहले क्या चीज़ें एंटर की हुई, क्या चीज़ें एंटर नहीं की हुई, तो ये उनके एरर को हम रिमूव कर सकते हैं। और ये और उसके बाद हमारे पास रिकवर फ्रॉम एरर के, हम इस एरर से कैसे रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले जो 24 आवर फॉर्मेट है उसको हम AM PM के साथ मेंशन करें कि इजीली वो उसके फीडिंग टाइम पर टाइम को देख सके और ग्राफ की लाइंस को प्रॉपरली मैनेज करें कि हॉरिजॉन्टल में ये आएगा और वर्टिकल में ये आएगा। सर्टिफिकेशन ये आएगा जब यूज़र अपने बेटे बच्चों की पिक्स वगैरह उनकी डेट एंटर करके दोबारा से उसको रिव्यू करते हैं, तो सर्टिफिकेशन होती है कि उन्होंने ये चीज़ें एंटर कर दी हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है यूज़र इंटरव्यू। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस किए गए थे कि इस ऐप्स को आप इजीली रजिस्टर कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ उन्होंने मोस्टली लोगों को यस में ऑप्शन था। उसके बाद एडिटिंग या मोबाइल फ़ोन या विजुअल एड्स कैन इंप्रूव लर्निंग, तो इन्होंने कहा हुआ था 2 क्वेश्चन थे यस इन सम केसेस नो, तो मोस्टली उन्होंने यस इन सम केसेस किया हुआ था। देन हमारे पास था टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू टास्क का अप्रोप्रिएट, तो मोस्टली कुछ लोगों ने इसका आंसर जो है वो यस में दिया हुआ था।
उसके बाद डिड द ऐप हेल्प यू अकोमर योर गोल, यस नो रियली ऑफनली, तो मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने कहा हुआ था कि ऑफनली कि ऐप अकोमोडेट करती है गोल को अचीव करने में। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन से जो लोगों से पूछे गए थे कि क्या आप इनके लिए उनको डेटिंग करते हैं जो उनको हेल्प दे रहे हैं। उसके बाद हमने कॉर्ड सेटिंग लोगों से करवाई थी कि उस ऐप्स को अपने अकॉर्डिंग के जो मेन्यूस बार हैं सब मेन्यूस बार को वो कैसे कंसिडर करता है। तो कुछ लोगों ने कुछ फीचर्स किसी में डाले हुए थे, कुछ जो मोस्ट सिमिलर थे उसको हम लेकर चले, और जिसमें यह था कि उन्होंने जो होम में था वो फेवरेट अर्लियर टुडे ये चीज़ें डाली हुई थी, जिसको हमने एनालाइज़ किया यहाँ पर कि उन सारे जो 6 यूजर्स का हमने इंटरव्यू लिया था, कनेक्ट करवाया था उनको, हमने कॉर्ड सेटिंग करवा के जो उन्होंने मोस्टली लोगों ने जो फीचर्स दिए हुए थे हम उनको लेके साथ आ गए चलिए। उसी की बेस पे हमने उनकी डिज़ाइनिंग की ऐप को, लाइक हमने बेबी नेम, उसके डेट ऑफ बर्थ, डेट, बॉय का बॉय गर्ल वो सिलेक्शन करके वो होम पेज में एंटर करते थे। देन उन्होंने कहा हुआ था कि फीचर्स और फेवरेट ही थे, उसमें मोर इवेंट्स नहीं थी, तो मोर इवेंट्स हमने एंटर किए और मोर इवेंट्स पर हमने जो चीज़ें एंटर की उसमें हेल्थ, मेडिसिन, वैक्सीनेशन हमने इसको सेपरेट रख दिया, ये चीज़ ऐड करके। उसके बाद टास्क में सेंस किया,